Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। रिसेंट में मैंने काफी देखा है लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है हैकिंग में, लेकिन कोई भी नई चीज पढ़नी होती है तो आप क्या करते हो? आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप किसी टीचर के पास जाओ जो आपको सिखा सके। ये तरीका हम लोग एंशियंट टाइम से अपना रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ते थे, आजकल स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं तो कोई सिखाता है और आप सीख जाते हो। दूसरा तरीका है कि आप खुद से पढ़ो, खुद से ढूंढ करके पढ़ो। ये तरीका भी पुराना ही है, ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चली है इसकी। और अभी कोविड के कारण तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो, हर किसी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है जो उसे बता सके कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि मैंने 100% खुद से ही किया है तो वो गलत है। परफेक्ट सेल्फ इज़ अ मिथ। तो आपको एक प्रॉपर गाइड चूज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करूंगा, मुझे पता है, क्योंकि मतलब आप जान जाओगे, आप वीडियो देखते जाओ, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं उनके लिए जिनको ये बातें कड़वी लग सकती हैं, कि मैं यहाँ पर किसी को भी स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज, यू आर फ्री टू सपोर्ट, आपके ऊपर है। लेकिन यार कोर्सेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद कोर्स बनाता हूं, मैंने खुद एक कोर्स बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है मेरे हिसाब से। मैंने 1.5 साल उसमें इन्वेस्ट किया है, जो भी मुझे आता था उस टाइम तक मैंने सब कुछ उसमें झोंक दिया है। बेसिकली मेरा मकसद ये था बताने का कि जो मैंने डिफ़िकल्टीज फेस की हैं पूरे करियर में चीज़ें ढूंढने में या कोई भी अलग टाइप की प्रॉब्लम्स, वो बाकी फेस ना करें, इसलिए मैंने उनका काम आसान किया है उसमें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, इफ़ यू आर अ कम्प्लीट बिगनर, यू शुड नेवर डेडिकेट योर सेल्फ टू हैकिंग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको मैं आगे वीडियोज़ में बता दूंगा। तो अब कोर्सेज की बात करें तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, फ्री और पेड। अब फ्री वालों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं कम्युनिटी में, क्योंकि ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई पढ़ता है इससे। और हैट्स ऑफ टू दोज पीपल फ्रॉम माय साइड जो ये बनाते हैं, क्योंकि अपने बारे में सोचे बिना कम्युनिटी को आगे रखकर बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज के साथ आते हैं, काफ़ी डिसएडवांटेज हैं इसके भी। सबसे बड़ा ये है कि ये स्कैटर्ड हैं, इनको ढूंढने के लिए आपको रिसर्च स्किल्स आनी चाहिए जो कि आज के डेट में नीड ऑफ द आर है। तो आप अगर ढूंढ सकते हो, आप अपने टाइम एंड एनर्जी लगा सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो, तो देन यू आर गुड टू गो। फ्री वाले बेस्ट हैं आपके लिए। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कुछ रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, ट्विटर पे जो भी लोग शेयर करते हैं ये सब फ्री है। तो अब कुछ फ्री होते हैं जो टोटली फ्री होते हैं, कुछ फ्री होते हैं जो कि क्वालिटी और कंटेंट में लैक करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होंगी बेसिक जो सिखा देंगे डेमो में और बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर लें या फी पे कर लें आगे एडवांस चीज़ें खोलने के लिए, या रियल में जो रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं वो आपको बताने के लिए। तो कुछ आधे फ्री होते हैं, तो ये फ्री वाले हो गए। अब पेड वालों की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम होते हैं, जाहिर सी बात है, आप पे कर रहे हो तो आपको स्पेशल अटेंशन दी जाएगी और बहुत कुछ ऑफर करते हैं, लाइक लाइव क्लासेस हो गए और कुछ सर्टिफिकेट्स भी देते हैं कई बार। जो लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए प्रमाण के लिए, उनको कॉलेज में बोला गया कि आप ट्रेनिंग करो समर में, तो वो कर लेते हैं। लेकिन ये मतलब जो है ना, काफ़ी दुनिया भर के कोर्सेस अवेलेबल हैं, हर कोई बना रहा है ऐसे, और टीचिंग में बहुत पैसा है। ऑनेस्टली टीचिंग में बहुत पैसा है और हर कोई बना रहा है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टीचिंग में बहुत एफर्ट लगता है अगर आपको नहीं पता हो तो। कंटेंट डिसाइड करना, आपका माइंडसेट चेक करना कि कैसे समझ में आएगा, आपको एग्जांपल्स तैयार करना, अपनी भाषा बनाना, और टाइम एंड एनर्जी एफर्ट उसमें पुट करना, इतना ज़्यादा लगता है, डेडिकेशन लगता है। और यही जो एफर्ट होता है उनके ही वो पैसे चार्ज करते हैं, और ये टोटली वर्थ इट है। मोस्टली कोर्सेज वर्थ इट होते हैं, लेकिन वही है कि आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है इसमें, आपका मनी लग रहा है, हार्ड अर्न मनी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो चूजिंग द राइट कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, अपना टाइम दे रहे हो ना वहाँ, टाइम की कोई कीमत नहीं होती है। अब आज के डेट में हर फील्ड के लिए हजारों कोर्सेज हैं, चाहे बग बाउंटी, जनरल एथिकल हैकिंग,
वाईफाई सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल हैकिंग, फॉरेंसिक्स, लिनक्स, हर किसी में है। और बस आपको राइट चॉइस बनानी है। आप खुद से सवाल करो कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट वर्थ है। सिलेबस देखो कोर्स का, रिव्यूज पढ़ो उसके, लोगों से पूछो जा करके कि जिन्होंने लिया है उनका क्या रिव्यू है, कैसा है। और जब आपको डाउट आएगा, जब आपको क्वेरी आएगी, तो क्या वो इंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा, क्या आपका कोई करियर गोल या उसका कोई स्टेपिंग स्टोन वो फुलफिल कर पा रहा है, या वो सही चीज़ सिखा रहा है कि नहीं। मतलब वो सस्ते नशे वाली जो हैकिंग होती है सोशल मीडिया वाली, वो तो नहीं सिखा रहा है, या एंड्रॉयड हैकिंग विद पेलोड तो नहीं सिखा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात ज़रूर याद रखना कि कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होगा जिसकी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। वो जो एग्जाम्पल देता है, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है, जो बताता है, जो बोलता है, वो सब कुछ आपके दिमाग में स्टिक हो जाता है। मतलब कोई भी लिंक क्रिएट करना हो, जस्ट आप उसका एग्जाम्पल देखो, कोई कहीं भी आपको वो एग्जाम्पल मिले, जस्ट हाँ हिट हो जाए कि ये मैंने पढ़ा था, और वो कभी निकले ना दिमाग से। और जो अगर आपको सामने किसी को बताना हो तो आप उसे बता पाओ जस्ट जैसे आपने पढ़ा था, और आपको पता है कि वो सही है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, उसने जो भी बोला है आपने करके देखा है और आपको रिजल्ट मिले हैं। तो चूजिंग द राइट मेंटर, जो हमेशा रेडी रहे कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए इन अ पॉजिटिव वे, जो कम्युनिटी को हमेशा अपने से आगे रखे। तो अब अपने मन से पूछो, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, उसकी स्किल्स हो, अचीवमेंट्स हो, कुछ अच्छा काम किया हो, तो उसे पकड़ लो एक बार, और उसके मतलब जितना आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो उनसे जाओ, करो, सवाल पूछो, क्यूरियोसिटी दिखाओ। और ऐसा भी नहीं ना, एक तरीका होता है अप्रोच करने का, एक मेंटर को एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया हैकिंग के बहुत सारे डीएम्स पड़े हैं मेरे पास, उन पर हम ध्यान नहीं देते, इरिटेट होते हैं। तरीका होता है ना, आप हाय हेलो करके छोड़ दोगे तो क्या रीज़न है कि रिप्लाई करें हम, तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं। इसीलिए आप अपनी क्वेरी कंप्लीटली कंप्लीट करो, उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि रिप्लाई करेंगे। अगर मैं खुद की स्टोरी बताऊं आपको, तो मैंने आज तक कोई भी इंडिविजुअल कोर्स परचेज नहीं किया है, कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है, और मैंने जो भी मतलब सर्टिफिकेशंस लिए हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी नहीं की हैं, उनको भी मैंने फ्री में ही पढ़ा है रिसर्च करके, और बस सर्टिफिकेशन के एग्जाम के जो वाउचर्स हैं वो लिए हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। अगर आपकी स्टडी इंक्लूडेड है सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट में, तो आपको स्टडी भी लेनी पड़ेगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिशियल ट्रेनिंग्स लो, आपको जिससे समझ में आता है उनका कोर्स करके बस एग्जाम वाउचर ले लो और एग्जाम दे के पास हो जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने फ्री कोर्सेस लिए। यूडेमी के कुछ कुछ फ्री वाउचर्स थे उस टाइम पे, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल था, वेबसाइट्स थी, बहुत सारी आर्टिकल्स थे वहाँ पे। तो जितना मुझे रिसर्च उस टाइम पर आता था मैंने वो यूज़ किया, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो एक बार मुझे पता चला कि बेसिक रिसर्च कैसे की जाती है, मैंने उसके बाद क्या किया कि रिसर्च कैसे की जाए, खुद के लिए चीज़ें ढूंढी कैसे जाएं, उनके कोर्सेज लिए, उनके कोर्सेज किए मैंने। गूगल डॉकिंग पढ़ा मैंने, स्टैक ओवरफ्लो के बारे में पढ़ा, गिटहब के बारे में पढ़ा, जहाँ से मैं फ्री में कंटेंट उठा सकता हूँ। और तब से लेके आज तक यही रिसर्च एक स्किल बन चुका है, और गूगल ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो सब कुछ मैंने अपने तरीके से आपके सामने रखा है। तो सब कुछ फ्री है, बस आपको प्रॉपर ट्रेमेंडस टाइम चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और बिना टाइम के जो चीज़ें हैं वो फ्री नहीं है। तो ये इट्स अ ट्रेड ऑफ। तो क्यों लेते हैं लोग कोर्सेस, ये रीज़न है कि उनके लिए रिसर्चर जो ट्रेनर है उसने रिसर्च करके रखी हुई है। बट ये स्किल इस एज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको काम आएगी। सेल्फ मैनेजमेंट सीख पाओगे आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से कैसे की जाए ये सीखोगे, और सही मेंटर चूज़ करना, सही कोर्स चूज़ करना डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ाएगा। यही सब तो चाहिए आपको। मैं खुद भी कोर्सेज बनाता हूँ, खुद बोलता हूँ लोगों को कि आपको अगर स्टार्ट करना है, सीखना है, तो आप मेरे कोर्सेज ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज सेल्फ लर्निंग, अगर आप उसमें प्रॉपर टाइम दे सकते हो तो। लेकिन आपको कोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, कोई भी आपको ये गारंटी नहीं देगा कि आपको जॉब मिल जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाओगे किसी टॉपिक में, कोई नहीं बोलेगा। जो आप कोर्स लोगे उसके बाद भी खुद की स्किल्स डिसाइड करेंगी आपकी कि आप कितना आगे जाते हो। एक काम करो, मैं बताता हूँ आपको, जो भी आप कोर्स देखते हो ना, उसके जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस जो बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं, वो उठा लो और खुद से पढ़ो उसके बारे में गूगल से। मतलब रिसर्च करो, रिकर्सिव रिसर्च जो मैं बोलता हूँ खुद से करो वहाँ पे, क्योंकि मतलब ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, पढ़ तो आप कैसे भी लोगे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कोर्स खरीदना बुरी बात है, आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, आपको लाइव सिखाया जाता है, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपके रिसोर्सेज आपको हाथ में दिए जाते हैं, पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंड दिस कल्चर कि आपको सब कुछ हाथ में दिया जाए। ये सेल्फ जो चीज़ें हैं ना कि खुद से करना सीखें लोग, वही मैं चाहता हूँ कि आप इस
तरीके से स्टार्ट करें, और बाकी आपको खुद पता है, यू आर योर बेस्ट गाइड, आप खुद जानते हैं अपने बारे में मुझसे ज़्यादा, तो आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं बस केयर करता हूँ आप सब की, इसीलिए मैं ऑनेस्ट हूँ, इसीलिए मैं आपको सही एडवाइस दे रहा हूँ, चाहे अंदर से कुछ भी हो, कोई इंसान कैसा भी मतलब बाहर से हो, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बीइंग इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड आई नो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो बस सही चीज़ें चुनो और बी क्यूरियस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, नहीं अच्छा लगा तो क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो बस अगर शेयर करना चाहते हो तो कर दो, बाकियों को ये ज्ञान मिल पाए बढ़ा चढ़ा के, और सब्सक्राइब कर दो, ऐसे आर्टिकल है कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कंटेंट आता रहता है रेगुलर, भले यूज़ नहीं आते लेकिन मैं बनाता रहूँगा, वीडियोज़ तो मैं बंद नहीं करने वाला। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना, बस देखते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो जो भी करते हैं, आई लव यू ऑल। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय। We'll be right back.